अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं टेक्निकल जी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो स्टाइलिश फेसबुक नेम के बारे में, कि आप अपने अकाउंट पे स्टाइलिश नेम कैसे रख सकते हैं। तो जो चीज़ भी मैं यूज़ करूँगा, जो सैम्पल्स मैं यूज़ करूँगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आप डिस्क्रिप्शन से कुछ भी कॉपी कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो वीडियो होने वाले हैं इंटरेस्टेड, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो गैस, यहाँ पे मेरे पास अपना अकाउंट ओपन है मेहरान खान के नाम से। अब इसको मैं स्टाइलिश नेम में कैसे चेंज करूँगा आपको बताने जा रहा हूँ। तो गैस, आपने अपने अकाउंट को फेसबुक लाइट में ओपन कर देना है, ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ से आपने बैक जाना है और यहाँ पे आपने थ्री लाइन्स पर क्लिक कर देने, आपने नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपने सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने, और यहाँ पर आपने अकाउंट्स में पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देने। इस पे क्लिक करने के बाद गैस, यहाँ पे आपको नेम के सामने एडिट पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो पहले से नाम है, ठीक है, तो आपने इनको एरेस कर देना है। एरेस करने के बाद गैस, अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में सिंबल्स दे दूँगा, वो आपने कैसे कॉपी करने है वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो गैस, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सिम्बल्स रखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसी सिक्वेंस के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट नेम में आपने ये सिंबल्स दे देने हैं, सेकंड नेम में आपने अपना नेम लिखना है, आपका जो भी नेम है, और लास्ट नेम में आपने ये सिंबल्स देने हैं। और ये दो किस्म के हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम में आप ये भी लिख सकते हैं और सेकंड में आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, आप जो भी नेम देना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी, और लास्ट में आपने ये सिंबल्स दे देने। तो मैं ये इस वाले को सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इस वाले को। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपने फर्स्ट वाले जो फर्स्ट नेम का सिंबल है, इसको आपने कॉपी कर देना है, ठीक है, इसको आपने कॉपी कर देना है, और यहाँ पे लास्ट वाले को भी आपने कॉपी कर देना है। तो मैं यहाँ से दोनों को कॉपी कर चुका हूँ। अब जाऊँगा बैक फेसबुक पे, और यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फर्स्ट पे मैं ये सिंबल्स दूँगा और लास्ट पे मैं ये वाले सिंबल्स दूँगा। और यहाँ पर आप अपना कोई भी नेम देखना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ अयान, ठीक है, ये मैं दे चुका हूँ। यहाँ पे अब आपको यहाँ से बिल्कुल बैक जाना है, और यहाँ पे आपको एक VPN की ज़रूरत पड़ेगी, टच VPN, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ, और यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद गाइस, इसका कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर बेस्ट चॉइस पर आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपने जापान की प्रॉक्सी को ऐड कर देना है, और यहाँ पर फिर आपने कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो गैस, ये कनेक्ट हो जाएगा कुछ सेकंड्स में, हम वेट करते हैं। तो गैस, ये कनेक्ट हो चुका है। जब आप VPN को कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपने वापस फेसबुक पे आ जाना है, जहाँ पे आपने फेसबुक को ऐसे ही छोड़ा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे मैं दोबारा आ चुका हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने फर्स्ट नेम में इस तरह के सिंबल दे देने, मिडिल नेम में अपना नाम लिख देने, और यहाँ पे सर नेम में जो लास्ट नेम है, कुछ ये वाले सिंबल्स आपने दे देने। और इस वक्त आपका VPN कनेक्ट होना चाहिए जापान की प्रॉक्सी के साथ। ये कनेक्ट करने के बाद गाइज, यहाँ पे रिव्यू चेंज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो गाइज, यहाँ पे हमारा नाम एक्सेप्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तीन तरह के नाम आ चुके हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है वो आपकी अपनी मर्ज़ी। मुझे थर्ड वन अच्छा लग रहा है, या फर्स्ट वन, आप मैं थर्ड वन सेलेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है अपनी ID का पासवर्ड दे देता हूँ। तो मैं जब यहाँ पे अपने अकाउंट का पासवर्ड दे देता हूँ, तो उसके बाद मेरा अकाउंट का जो नेम है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं ये पासवर्ड दे चुका हूँ, अब सेव चेंजेस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमारा नाम एक्सेप्ट हो चुका है। अभी मैं यहाँ से बिल्कुल इसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ से दोबारा आ जाता हूँ फेसबुक लाइट पर, और फेसबुक लाइट को ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको अपने अकाउंट पर ले कर चलता हूँ। यहाँ पर हमारा नाम देख सकते हैं चेंज हो चुका है, यहाँ पर ये कितना कूल लग रहा है। तो आप भी इस तरह का नाम जो है एडिट कर सकते हैं, और सेम प्रोसेस फर्स्ट सिंबल के लिए और लास्ट सिंबल के लिए, जो पहले सिंबल है वो भी ऐसे एक्सेप्ट होते हैं। तो गैस, अब आते हैं दूसरी बात पे, कि आप कैसे डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैक जाने। जैसे गैस, यहाँ पर आपको कोई वीडियो पसंद आई है, ठीक है, यहाँ पर आपको कोई वीडियो पसंद आ जाए, मतलब जिसका आपने डिस्क्रिप्शन कॉपी कर दें, तो आपने सिंपली क्या करना है, इन थ्री डॉट्स पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से इसको शेयर करके कॉपी कर देना है, मतलब अपने कॉल बोर्ड पर आपको इसको
कॉपी कर देने। और यहाँ से कॉपी करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको आ जाना है क्रोम ब्राउज़र पे, और क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद गाइस यहाँ पे आपने जो है यूट्यूब को ओपन कर देने। यूट्यूब को ओपन करने के बाद आपने सिंपली उसका जो है यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देने। लिंक आप जब इस तरह यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आप जैसे मतलब डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे, जैसे मैं इस वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन ओपन कर देता हूँ, ठीक है, ये वीडियो मैंने चलाई है, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है गाइज। तो आप इस तरह डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।